मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फादर्स लेटर के क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस वीडियो में हमने इस स्टोरी को पढ़ा था और समझा था, और चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं द फादर्स लेटर के क्वेश्चन आंसर। इसके जो कवि हैं वो हैं, इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम हैजलिट। क्वेश्चन देखें बच्चों, व्हाई डज द ऑथर चूज दिस ओकेजन टू एडवाइज हिज सन। जो लेखक है इस समय को क्यों चुनता है अपने बच्चे को कोई सलाह देने के लिए? आंसर देखें, ही चूजेज दिस ओकेजन बिकॉज ही वॉज नॉट वेल एंड ही वॉज नॉट श्योर दैट ही वुड बी विथ हिज सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक पिता अपने पुत्र को जो पत्र लिखता है, अभी इज राइटर, तो ये इसको इसलिए लिखता है क्योंकि वो अच्छा नहीं रहता, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और उसको ये निश्चित भी नहीं रहता, श्योर है ना, ये निश्चितता भी नहीं रहती कि वो अपने पुत्र के साथ बहुत लंबे समय तक रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट हैपेंस इफ वी प्लीजेस पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। फिर से पढ़ते बच्चों, What happens if we please people and future event? क्या होता है कि जब हम लोगों को please, यानी पहले से ही उनके बारे में अपना निर्णय दे देते हैं और भविष्य की आने वाली घटनाओं के लिए? आंसर देखें, If we please people and future events, we create unwanted enemies and hardship. अगर हम किसी भी भविष्य की होने वाली घटनाओं को और लोगों को पूर्व निर्णय या पूर्वाग्रह कर देते हैं तो हम बहुत सारी अनचाही शत्रुता बना लेते हैं और अनचाही कठिनाइयों को मोल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। शत्रुता को निशस्त्र करने का, पराजित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वैसे सब सोचते हैं कि शत्रुता को अपन लड़ करके भी पराजित कर सकते हैं, लेकिन देखें यहाँ लेखक क्या कहता है। आंसर देखें, द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स अंटिल दे ट्राई टू हार्म यू एंड इवन देन ट्राई टू ओवरलुक देयर फॉल्ट्स एज फार एज पॉसिबल। क्या बोल रहे हैं लेखक कि सबसे अच्छा तरीका है किसी भी शत्रुता को पराजित या निशस्त्र करने का, तो सबसे पहली बात तो यह है कि दूसरों के बारे में बुरा सोचना छोड़ दो जब तक कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, एंड इवन देन ट्राई टू ओवरलुक देयर फॉल्ट्स एज फार एज पॉसिबल। और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उनकी जो गलतियां हैं या उनकी जो कमियां हैं उनको भी हम देख करके अनदेखा कर दें, ओवरलुक कर दें जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके। इसका अर्थ है कि हम किसी को भी बुरा ना समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट शुड बी नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर। हमको किसी को भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए किस चीज के लिए? आंसर देखें, वी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर हिज पॉवर्टी। हमें किसी को भी उसकी गरीबी को लेकर के उसको तिरस्कृत करना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो बच्चों, व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन ऑन थिंग्स एंड पीपल वी आर येट टू सी एंड नो। अब जो लेखक है उसकी क्या विचारधारा है कुछ वस्तुओं के बारे में, कुछ लोगों के बारे में जिनको हम देखते हैं और जिनको जानते हैं? आंसर, अकॉर्डिंग टू द राइटर इट इज अ गुड रूल टू होप फॉर द बेस्ट। लेखक का ये कहना है कि हमें हमेशा ये बहुत अच्छा नियम है कि हमें हमेशा आगे अच्छे होने के लिए आशान्वित रहना चाहिए, होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए आशा रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बिलीव दैट थिंग्स आर राइट। और हमको हमेशा ये सोचना चाहिए, ये विश्वास करना चाहिए कि जो भी घटनाएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं वो सब सही हैं। सिमिलरली वी शुड नेवर डेवलप प्रिजेसिस अगेंस्ट पीपल। और साथ ही साथ हमको अपने पूर्वाग्रह लोगों के विरुद्ध तैयार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बच्चों देखो, आंसर में अकॉर्डिंग का ए जो है वो स्मॉल लेटर से बन गया है, आप जब लिखोगे तो इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। यहां पर आपके खेलने वाले साथियों से और स्कूल के साथियों में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन 4 मार्क्स के क्वेश्चन तक आता है, आप बहुत अच्छे से लर्न करिए। आंसर, विद प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओन वे। जब तुम अपने साथी खिलाड़ियों साथी सह खेलने वाले साथियों के साथ खेलते हो तो तुम्हें तुम्हारा तरीका रहता है, बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, क्योंकि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। बट विथ स्कूल मेट्स यू कैन नॉट डू दिस, लेकिन तुम अपने स्कूल के साथियों के साथ कक्षा साथियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यू विल हैव टू कंसीडर देयर ओन नीड्स, तुमको उनकी भी जो जरूरतें हैं उनको भी साथ साथ कंसीडर या समझना पड़ेगी। एंड विल हैव टू एडजस्ट विद देम, और उनकी नीड्स के सहायता से उनको समझते हुए तुम्हें अपने आप को उनके बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर ए चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। स्कूल की जो जिंदगी है वो किसी भी बच्चे को नई दुनिया के लिए कैसे तैयार करती है। आंसर, इन द आउटसाइड वर्ल्ड यू आर एट बेस्ट द अमंगस्ट अदर एंड सो विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज। जब हम बाहरी दुनिया में रहते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे घिरे रहते हैं, तो हमको वहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयों को, बहुत सारी समस्याओं को उनको क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। एंड वी एंड हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, और उसको हमें अपने हिसाब से एडजस्ट यानी समायोजित करना पड़ता है। इन द स्कूल, अब स्कूल में क्या होता है, यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन, आप स्कूल में भी इसी प्रकार की परिस्थिति का सामना करते हैं, दो ऑन अ स्मॉलर स्केल, एक छोटे रूप में। बड़ी दुनिया में, बाहरी दुनिया में आप बड़े रूप में करते हो, और स्कूल में भी यही चीज आप एक छोटे पैमाने पे करते हो। एंड सो इट प्रिपेयर यू फॉर लाइफ, इसलिए जो स्कूल है वो आपको जिंदगी के लिए, बाहरी दुनिया के लिए क्या करता है, तैयार करता है। थैंक यू बच्चों, मुझे आशा है कि इन क्वेश्चन आंसर्स को आप बहुत अच्छे से नोटबुक में नोट करेंगे, लर्न करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।